नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज के हेडलाइंस पर। रीच टू कस्तूरचंद पार्क से ऑटोमोटिव चौक का निरीक्षण शुरू। मुख्य मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त का 3 दिवसीय नागपुर मेट्रो दौरे का आयोजन। हिंदुस्तान कॉलोनी में मिला मां बेटे का शव, बेटे ने मां की हत्या कर की आत्महत्या। और पूना में दिखी एक नई पहल, ईद पर नहीं बजेगा डीजे, उन पैसों से की जाएगी गरीबों की मदद। और अब खबरें विस्तार से। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त CMRS श्री जनक कुमार गर्ग और अधिकारियों ने बुधवार को महामेट्रो नागपुर के रीच 2 के तहत कस्तूरचंद पार्क से ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। पहले दिन श्री गर्ग ने रीच 2 लाइन पर गड्डी गोदाम चौक, नारी रोड और ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। बुधवार के निरीक्षण के दौरान निदेशक परियोजना श्री महेश कुमार, निदेशक रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स श्री सुनील माथुर, कार्यकारी निदेशक श्री उदय बोरवणकर, श्री रामनवास, श्री सिन्हा, महाप्रबंधक श्री सुधाकर उराडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री प्रकाश मुदलियार, श्री आशीष संघी, श्री हिमांशु घाटवारी, परियोजना निदेशक सामान्य सलाहकार श्री रामनाथन, सह महाप्रबंधक श्री नरेंद्र उपाध्याय और महामेट्रो नागपुर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने स्टेशन के लिफ्ट, एस्केलेटर, अग्निशमन उपकरण, स्टेशन के दोनों और आगमन प्रस्थान व्यवस्था, ग्राउंड लेवल, कॉन्कोर्स लेवल और प्लेटफॉर्म के साथ साथ मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सुविधाओं की समीक्षा की। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग यात्रियों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने गड्डी गोदाम गुरुद्वारे में 4 स्तरीय स्टील गर्डर का भी निरीक्षण किया, जो तकनीकी रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। महामेट्रो ने भारतीय रेल की पटरियों पर 800 टन स्टील के गर्डर लगाए हैं और देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में 1650 टन क्षमता का निर्माण किया गया है। महामेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक लोड परीक्षण पूरा किया है। कस्तूरचंद पार्क और ऑटोमोटिव मार्ग के बीच गड्डी गोदाम, कड़बी चौक, इंदौरा चौक, नारी मेट्रो स्टेशन, सीताबड़ी इंटरचेंज से कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन तक के 1.6 किलोमीटर के मार्ग को 20 अगस्त 2021 को यात्री सेवाओं के लिए खोल दिया गया है, जिसमें 0 माइल फ्रीडम पार्क और कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन शामिल है। महाराष्ट्र में नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी पर बहुत सी चर्चाएं हो रही है, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर नागपुर पवार समाज की तरफ से रवि राणा और नवनीत राणा की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गौरतलब है कि रवि राणा पवार समाज से आए हैं। उत्तर नागपुर पवार समाज संगठन द्वारा आयोजित ये पाठ परिसर के हनुमान मंदिर में किया गया था। इस वक्त पवार समाज के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी को जय श्री राम। आज 26/4/2022 ओम नगर हनुमान मंदिर में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और जो सरकार ने हनुमान चालीसा पे जितना सभी को जेल में डालने की जो धमकी दी है उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हमारी ये है मांग कि जिनको जेलों में डाला गया है हनुमान चालीसा पढ़ने के इसमें, उनको बरी किया जाए। और अगर ऐसा ही हनुमान चालीसा पढ़ने पे जेल होती है तो हम भी सभी लोग इसके लिए तैयार। जय जय श्री राम। अगर बजरंगबली बाबा की जय। सरकार इस पे कुछ अगर एक्शन लेती तो अब इसके आगे आप क्या लोग क्या करेंगे, इसके आगे आपका क्या कदम रहेगा? सरकार यदि इसके आगे एक्शन नहीं लेती तो हम इसका घोर विरोध करेंगे, हो सकता है तो रोड पे भी प्रदर्शन करेंगे। नागपुर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। संदीप ताजने सिर्फ लोगों के पैसों का उपयोग खुद के लिए करते हैं, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने सभी पैसों का हिसाब भी उनसे मांगा है। इसी बीच उन्हें हटाने की मांग भी इस आंदोलन द्वारा की जा रही है। पोस्टर्स के साथ नारेबाजी करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। जय भीम। मैं नितिन वंजारी, जो जिला नागपुर का मैं सचिव हूँ और इसके पहले मैं दक्षिण विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हूँ। हमारी ये जो मांग है, जो हम ये आंदोलन कर रहे हैं, वो जो संदीप ताजने हैं, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ़ हम
यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जो नारी ऑफिस का हमारा मेन ऑफिस है वहाँ पे हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो हमने महाराष्ट्र के लोगों ने संदीप ताजनी के पास जो अभी तक का हमने पैसा जमा करके दिया है, और जो पैसा हमने जमा करके दिया है तो हमारा हक भी बनता है कि हम उनसे इस पैसे का हिसाब मांग सके, क्योंकि हम इस जब भी हम लोग पदाधिकारी रहते हैं, जो मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, तो मैं खुद जब रिज़ाइन मेरा दिया गया तब मैंने पूरा अपना हिसाब हमारे विधानसभा को दिया था। अगर हम हमारा जो पैसा निकालते हैं सभी पदाधिकारियों से या बोलो कार्यकर्ताओं से, तो हमारा भी हक बनता है कि अगर ताजने को अगर हम पूछते हैं कि हमारे को आप हिसाब दीजिए कि महाराष्ट्र में कितना पैसा आपने जमा किए और कितना खर्चा किए, तो वो बोलने के बाद हमें ताजने जी ने जो हमारे कार्यकर्ता को पुणे में जो कैडर कैंप हुआ वहाँ पे हमारे जो सहकारी थे जो सचिन कुमारेकर के, उनको बाहर शिविर में से बाहर हकाल दिया, तो उनके खिलाफ़ हमें इस जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये घटना जो घटी है इसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें ताजने से यही आशा करते हैं कि उन्होंने कम से कम हमारे को ये जो आपने पैसा हमारा जो लिया है उसका हिसाब दीजिए, और जो कार्यकर्ता अभी धरना पे बैठे हैं उन हमारी एक ही मांग है सभी लोगों की कि उन्होंने इस पद का इस्तीफा देके अच्छे लोगों को आगे लाने का हमारा जो मकसद है कि बामसेब के हो या फिर जो पुराने लोग हैं जो बीएसपी को आगे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों ने आगे आके इस आंदोलन को बड़ा करने का कोशिश करें। और जो ऐसे दलाल लोग इस पार्टी में भरे हुए हैं, इनको बहन जी ने खुद होके इनको निष्कासित करके महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। जय भीम। एका के जीवन बिताने वाले अभियंता ने मां की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ये घटना वर्धा मार्ग की हिंदुस्तान कॉलोनी में हुई। 5 दिन बाद वारदात का खुलासा हुआ है। मृतक नीला विष्णु चोपड़े तथा उनका बेटा श्रीनिवास चोपड़े है। मां बेटा हिंदुस्तान कॉलोनी के चंद्रमणि हॉल के पास रहते थे। लीला के पति शिवाजी साइंस कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी काफी पहले मृत्यु हो गई है। लीला को बेटा श्रीनिवास और विवाहिता बेटी स्मिता पाटिल है। वो इंजीनियर है और पति के साथ मुंबई में रहती है। श्रीनिवास भी इंजीनियर था। उसने 1994 में महज एक वर्ष इंडोरामा में काम किया। तब से वो घर में ही रहता था। उसने शादी भी नहीं की थी। स्मिता की गुरुवार को अंतिम दफा माँ से बात हुई। तब से स्मिता को दोनों के मोबाइल बंद मिल रहे थे। स्मिता का भांजा सागर इंगले कोराडी में रहता है। स्मिता ने भांजे को माँ और भाई का हालचाल जानने के लिए घर जाने को कहा। सागर मंगलवार रात हिंदुस्तान कॉलोनी पहुंचा। मेन गेट, चैनल गेट तथा खिड़कियां भीतर से बंद होने से सागर ने काफी आवाज लगाई। प्रतिसाद नहीं मिलने पर उसने धंधुली पुलिस को सूचना दी। पीआई महेश चौहान साथियों सहित वहां पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया तो बेडरूम में लीला और श्रीनिवास का शव पड़ा मिला था। लीला के पेट में चाकू घोंपा गया था, जबकि श्रीनिवास के शव के पास रखी जहर की बोतल से खुदकुशी किए जाने का पता चल रहा था। 4-5 दिन से शवों के पड़े होने से घर में दुर्गंध फैली हुई थी। पुलिस ने शव मेडिकल रवाना कर स्मिता को घटना की सूचना दी। वो आज नागपुर पहुंच गई है। वो भाई द्वारा मां की हत्या कर खुदकुशी किए जाने की वजह बता नहीं पा रही है। पड़ोसी भी किसी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि मां बेटों का उनसे कोई संपर्क ही नहीं था। उनका घर हमेशा ही बंद रहता था। इसी बर्ताव से पड़ोसी भी उन्हें नजरअंदाज करते थे। इसलिए 4-5 दिन बाद भी उन्हें दोनों की मौत होने का पता नहीं चल पाया। दोनों ने कोई नौकर भी नहीं रखा था। इससे मां बेटे के बीच कोई विवाद होने का भी पता नहीं चल पाया है। धंधुली पुलिस ने श्रीनिवास पर हत्या का केस दर्ज कर जांच आरंभ की है। यदि सागर इंद्र ने फिरियाद दी कि उसकी मामी मुंबई में रहती है, उन्होंने कॉल करके बताया कि उसकी माँ और भाई ये हिंदुस्तान कॉलोनी में रहते हैं, वो 4-5 दिन से फोन नहीं उठा रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तुम जाके वहाँ देखो। इस वजह से वो वहाँ जाके देखा उसने, तो वहाँ मेन गेट को अंदर से लॉक लगा हुआ था और जो गेट था मेन दरवाज़ा वो भी अंदर से पूरा बंद था। उसने वहाँ दरवाज़ा ठकठकाया कि कोई खोले करके, पर कोई किसने अंदर से किसने खोला नहीं। उसने चारों तरफ देखा कि अंदर से प्रवेश कर सकते क्या, पर कहीं से अब सब अंदर से बंद थे दरवाजे। इस वजह से उसको थोड़ा डाउट आया, इसलिए उसने थाने में आके रिपोर्ट दी थी। तब हम और पुलिस स्टाफ लेके वहाँ गए, तो वहाँ का मेन गेट का दरवाज़ा खोले और मेन दरवाज़ा भी खोल के अंदर प्रवेश किए तो बेडरूम में उनके जो भाई और माँ ये दोनों की
मृत अवस्था में बॉडी मिली। वहाँ देखा तो माँ को स्टैबिंग, चाकू से स्टैबिंग करके उनका खून कर दिया गया है और लड़के ने खुद पॉइजन लेके सुसाइड किया है। लड़का श्रीनिवास चोपड़े है, वो 50 साल उम्र है और माँ की 75 साल उम्र है। ऐसा उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लड़का कुछ काम करता नहीं था, पिताजी के पेंशन पे उनका उधर निर्वाह चल रहा था। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदर्भ को गर्म हवाओं के थपड़े और ज्यादा दिन तक झेलने पड़ सकते हैं। शुष्क हवाओं के लगातार बहने से अगले कुछ दिनों में तापमान में और इजाफा होने के आसार जताए जा रहे हैं। उपराजधानी में बुधवार को इसी गर्मी का सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ में सबसे गर्म ब्रह्मपुरी 45.1 और दूसरे नंबर पर वर्धा में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले नागपुर क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने 27 अप्रैल से 1 मई तक लू की चेतावनी दी थी, लेकिन बुधवार को मौसम में आए बदलाव को देखते हुए अब इस चेतावनी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े बुधवार को साइकिल से गिर जाने से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए भारतीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक भिड़े की उम्र लगभग 83 साल बताई गई है। बुधवार शाम साइकिल से गणपति पेट से गणेश मंदिर गए थे, मोड़ पर वो अचानक साइकिल से गिर गए। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें आगे इलाज के लिए भारतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा कर दी। इसी बीच भिड़े की उम्र को देखते हुए उनकी सारी जाँच की जाएगी। फिलहाल उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाज में सौहार्द कायम रखने के लिए पुणे में 5 मस्जिदों की इंतजामिया समिति और समुदाय के कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों ने ईद के दौरान डीजे नहीं जाने का और इसके लिए एकत्रित की गई राशि का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों के बीच करने का निर्णय लिया है। 5 मस्जिदों की इंतजामिया समिति और समुदाय के कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों ने समुदाय के युवाओं से 2 मई को ईद के पर्व पर तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने को कहा है। लोहिया नगर इलाके में भारतीय अंजुमन कादरिया मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन रजा ने कहा कि तेज डीजे के दुष्परिणामों से सभी वाकिफ है, ये बीमार लोगों और कमजोर दिल वालों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए डीजे नहीं बजाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही डीजे के लिए जो धन एकत्र किया जाता है उसका इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा।
मुंबई में 27 दिसंबर को पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अगस्त सितंबर 2021 में भारी बारिश के कारण नागपुर जिले में कृषि फसलों सड़कों और बागीचों को हुए नुकसान के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया है। सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में वडेट्टीवार ने ये आदेश दिए। राज्य में धार्मिक सौहार्द बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा मुस्लिम बंधुओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। 26 अप्रैल मंगलवार को शाम 5 बजे तहसील पुलिस स्टेशन की ओर से इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस वक्त कई मुस्लिम बंधुओं के साथ ही पुलिस ने भी सहभाग लिया था। नागपुर पुलिस के सराहनीय कार्य को लोगों द्वारा भी सराहा गया और उनकी तारीफ भी की गई। आज के इस इफ्तार पार्टी का क्या प्रयोजन? ये हम जातीय सलोखा बढ़ाने के उद्देश्य से हर शहर में अलग अलग जगह पे हम ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। आज ये तहसील पुलिस स्टेशन में परिमंडल 3 के तरफ से DCP साहब ने ये पूरे आयोजन किए थे, जिसमें सभी धर्म समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत ही अच्छे माहौल में ये आज इफ्तार का प्रोग्राम हुआ और जिस तरह के शहर की जनता हमेशा से पुलिस के साथ खड़ी रहती है और कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण नहीं होने देती है, उसके लिए हमने सभी को धन्यवाद भी दिया और रमज़ान महीने की हमने सभी को बधाई भी दी। शहर में किसी भी प्रकार का कोई भी माहौल नहीं है, शहर में सभी शांति है। जो भी मुद्दे हैं, जो कायदेशी रहेगी उसके अनुसूरण कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण नहीं होगी, इसकी हमें पूरे विश्वास है। और अगर होती है तो उसको हैंडल करने के लिए, हताड़ने के लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है। हम सभी धर्म में करते हैं। गणपति में भी प्रोग्राम यहाँ पे इसी परिसर में हुआ है, दशहरा में भी होता है, हर प्रकार के हर धर्म के अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में यहाँ पे Zone 3 का पाचपौली में प्रोग्राम हुआ था, लकड़गंज में प्रोग्राम हुआ था, हर जगह हम हर धर्म हर जाति का के उपलक्ष में हम शांति बनाने के लिए, जाति सलोका बढ़ाने के लिए हम प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। तो VKB की मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।